कान्हा नेशनल पार्क का बफर एरिया है। रात में इस साइड में हिरन, टाइगर, लेपर्ड, बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। वो शिकार ऐसा करता था कि वो उसका जो निशाना था इतना परफेक्ट था, कभी मिस नहीं हुआ। तो शिकार करने के लिए अपनी वाइफ को झाड़ से बांधता था और शिकार करता था। तो जब टाइगर उसको किल करने आता था, हेलो नमस्ते जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं दीपक। अभी मैं आ चुका हूं कान्हा नेशनल पार्क, अभी जिस प्रॉपर्टी में है कान्हा मिडोस रिट्रीट। और ये कान्हा नेशनल पार्क का वन ऑफ द बेस्ट रिसॉर्ट है। अगर आप फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट जगह है। अगर दूरी की बात करें तो ये बिलासपुर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर, व रायपुर से 200 किलोमीटर की दूरी पर, जबलपुर से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर, व नागपुर से 280 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप यहाँ पर अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं। तो क्या क्या यहाँ पर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है सफारी। हम सफारी भी करेंगे, मोगली एडवेंचर कैंप है वो भी घुमाएंगे, एक्टिविटीज़ भी दिखाएंगे। जितने भी रूम है, स्वीट रूम है, फैमिली रूम है, डिलक्स रूम है, वो सारे रूम्स को भी दिखाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लो, इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो चलिए आपको प्रॉपर्टी घुमाते हैं। अभी आपको लेकर चलते हैं रेस्टोरेंट एरिया, जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हैं। तो ये एरिया है, तो यहाँ पर लगभग 20-30 पीपल्स आराम से वन टाइम पे यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं सफारी के लिए। सफारी अभी बंद है, पर हम अभी बफर जोन घूमेंगे। बफर जोन भी घूमना है, एक एडवेंचर से कम नहीं है। तो हमारा जिप्सी आ चुका है, तो निकलते हैं, चलिए। दोस्तों सफारी करके आ गए हैं, अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। फैम ट्रिप का आज पहला दिन है, तो अभी हम कुछ एक्टिविटी भी करेंगे। ब्रेकफास्ट ले लिए हैं, तो मैं लिया हूँ पोहा, प्याज, पराठा और मीठा वाला दही और केला। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। और हमारे सारे दोस्त तो अभी ब्रेकफास्ट करके मैं आ गया हूँ ऊपर। हम लोग को रूम नंबर 615 जो है वो मिला है, रूम सी मिला है। तो अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मैं आ गया हूँ ऊपर, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया व्यू है। यहाँ पर बांसी बांस लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। और अभी थोड़ा सा आराम करके फिर मैं निकलूँगा। और कल तो मैं आपको दिखाया था रूम, और ये हमारा हॉल है, कॉमन हॉल है। तो यहाँ पर बैठने के लिए अच्छा सोफ़ा वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पे दो रूम है, सी और डी, और ये जो हॉल है वो कॉमन है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आराम से बैठ सकते हैं। और ये हमारा रूम है सी, दिखाते हैं आपको, ये देखिए। तो रूम पूरा बिखरा पड़ा है, क्योंकि बस हम लोग तैयार हो गए सुबह योगा वोगा करने के लिए, उसके बाद फिर हम लोग तुरंत आए, फिर हम निकल गए सफारी के लिए। तो बिल्कुल बिखरा हुआ है पूरा रूम। तो कल आपको दिखाया था रूम, अगर कल का वीडियो नहीं देखे हो तो वो भी देख लो मेरे डिकेट जीरो ब्लॉग्स चैनल पे। तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। तो फ्रेश होके आ गया हूँ, अभी एडवेंचर एक्टिविटी स्टार्ट हो चुका है। तो एडवेंचर एक्टिविटी में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कुछ कुछ टास्क देने वाले हैं, तो देखते हैं यार क्या क्या होगा, तो दिखाते हैं आपको, चलिए। वाह यार, मतलब मैं सोचा नहीं था कि इतना बड़ा एडवेंचर एक्टिविटी होगा यहाँ पर। देखिए क्या बात है यार, और बहुत कुछ है यार, मतलब 10-15 मिनट लगेगा हमको एक बार कंप्लीट करने में। और कुछ टास्क देंगे, वो टास्क कंप्लीट करना है, तो सुनते हैं क्या टास्क है, आइए। जो टास्क है वो मिल चुका है, और टास्क सबसे पहला टास्क हम ही को मिला है, तो हमको ही पहले करना है। तो मैं तो यार माउंट
क्लाइंबिंग करूँगा, ये वॉल क्लाइंबिंग करूँगा, सॉरी माउंट क्लाइंबिंग बोल रहा हूँ यार, वॉल क्लाइंबिंग करूँगा। तो मैं तो रेडी हूँ, एवर रेडी हूँ यार करने के लिए। बाकी अब हार्नेस वगैरह पहन लेते हैं, तो अब कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। बाकी मैं दूसरे का जो एक्टिविटी है वो दिखाऊंगा, अपना एक्टिविटी नहीं दिखा पाऊंगा। सुन लो सब एक बार जल्दी, हमारी टीम का नाम है एवेंजर्स। सो दोस्तों अभी हम पूरा रेडी हो चुके हैं। रोहित भाई जो है फर्स्ट वाला ये इसको करेंगे, सेकंड वाले को जया कर रही है, थर्ड वाले को मैं कर रहा हूँ, फोर्थ वाले को भाई करेंगे, फिफ्थ वाले को ये करेंगे। और ये बहुत सपोर्टिव टीम मेंबर हैं जो पूरी टीम को सपोर्ट करेंगे। हमारा पूरा टीम है और ये पूरी टीम है यार, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अपन जीतेंगे, चलो 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 यार, जाओ जाओ जाओ। तो भाई हमारे टीम के रोहित भाई बहुत जल्दी जल्दी पार कर दिए हैं, ये देखिए रोहित भाई जल्दी भाई, ये तो पानी भरा हुआ है ये, बट सब टास्क को कंप्लीट कर दे रहे हैं भाई। जय आ रहे हैं ना, आप रेडी रहिए। एक बार में दो दो सलेश भाई रेडी हो कि नहीं यार? अरे सलेश भाई कोई दिक्कत नहीं, आराम से भाई, आराम से देख स्लिप मारेगा। छत्ती रेडिया में चढ़ो। अरे छिपकली कहाँ से आ गई, वहाँ देखो छिपकली, सांप आ गए क्या? छिपकली डोके लाए क्या? गिरगिट है भाई, गिरगिट वहाँ देखो, आराम से भाई जा रहे जहाँ लेने की शादी हुई अपनी। 2-3 go How the judge? Hi sir! कम है मजा नहीं आया। हाँ यार फिर से तो गाइस अभी हमारा एडवेंचर एक्टिविटी का टास्क कंप्लीट हो चुका है। ये चार ग्रुप बना था, तो चार ग्रुप जो है वो अलग अलग परफॉर्म किए। सबसे पहला हम लोग किए, तो हम लोग थोड़ा सा लेट किए और हमको लग रहा था कि हमने सबसे जल्दी किया। हम लोगों से एक्सपीरियंस लेके उन लोग बहुत जल्दी कर लिए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इसका वीडियो जो है मैं अपने कैमरे में नहीं बना पाया क्योंकि मैं भी खुद इंजॉय कर रहा था। तो चलिए चलते हैं, अभी विनर अनाउंस करने वाले हैं, तो चलते हैं फिर डिनर करते हैं, उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद फिर कुछ दूसरा एक्टिविटी है, दूसरा टास्क है वो करेंगे। यार यही हूँ कि अभी तक निकाली क्यों नहीं ये सब, क्योंकि यही अभी और खेलना चाहती है, पूरा खेलना चाहती है। अच्छा। जो गिवन टास्क थे उसमें मन नहीं भरा हमारा, तो फिर से करना पूरा करना। ओके गाइस, इस प्रॉपर्टी में चार स्वीट रूम है, तो एक रूम आपको मैं दिखाता हूँ, आइए। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, एक बड़ा सा हॉल है और ये कॉमन हॉल है ए और बी के लिए, और सी और डी के लिए भी ऐसे ही कॉमन हॉल है। तो एक बहुत बड़ा सोफ़ा है जिसमें आराम से बैठ के आप चिल कर सकते हो। देन यहाँ पर एक छोटा सा फ्रिज है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर कुछ पानी का बॉटल कुछ रखना हो, कुछ भी जो ठंडा करना हो वो कर सकते हैं। देन इसके बाद जो मेन रूम है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। तो ये डबल बेड इस तरह का रूम मिलता है और ये थोड़ा सा लग्जरी है और अच्छा है, मतलब यहाँ के इंटीरियर डिज़ाइन भी जो है, लाइट्स वगैरह है बहुत ही अच्छा है, और गद्दे वगैरह भी जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब बाकी जगह पर थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं 2 दिन से यहाँ पे हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथ में यहाँ पर टीवी वगैरह भी है, और अगर चाय कॉफ़ी पीना है तो आप तुरंत बना के इंस्टेंट बना भी सकते हैं। तो चाय कॉफ़ी के लिए शुगर्स वगैरह है, साथ ही टीवी, बहुत बड़ा मिरर और चेयर दिया हुआ है। इसका अलमारी रहता है हर जगह पर यहाँ पे अलमारी नहीं है, इस तरफ से यहाँ पे बना दिया गया है, और इस तरह से आप अपना लगेज वगैरह को भी यहाँ पे रख सकते हैं। साथ में टॉयलेट है, टॉयलेट भी बहुत अच्छा है यार। तो आपको दिखाते हैं, एक मिनट बटन, हाँ। तो इस तरह से टॉयलेट है, वेस्टर्न टॉयलेट है, और शावर है यार, शावर बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ जाएगा आपको नहा के। तो शावर, और इस साइड मिरर है, तो बहुत बड़ा ही स्पेस है। मतलब आप नॉर्मली किसी होटल पे या रिसॉर्ट पे जब जाएंगे तो टॉयलेट बहुत छोटा रहता है, तो एकदम कंजेस्टेड लगता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत ही स्पेस है। मेरा तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, और आप यहाँ पर आइए और एक्सपीरियंस करिए। इसके अलावा यहाँ पर फैमिली के लिए अलग रूम है, और ट्री हाउस है, वो भी मैं आपको 1 by 1 दिखाऊँगा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं।
तो अभी हम निकल रहे हैं नेचर वॉक के लिए, तो ये लगभग 1-2 किलोमीटर का वॉक है। तो यहाँ रिवर साइड में वॉक करते जाएंगे, एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, कुलदीप भाई बता रहे थे, तो वो देखने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यार। तो चलिए चलते हैं, सारे लोग जो है जा रहे हैं यार, आइए। तो अभी थोड़ी देर में सनसेट होगा, पर सनसेट से पहले हम नदी के किनारे किनारे जाएंगे और सनसेट भी देखेंगे वहीं रिवर साइड से। तो चलते हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार। अभी तो हम रोड पे आ गए हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम मध्य प्रदेश में हैं, ये है कान्हा सफारी लॉज मुक्की गेट। तो मुक्की गेट बहुत फेमस है यहाँ पर, और यहीं पर सबसे ज़्यादा टाइगर दिखता है। तो अभी नेचर वॉक के लिए हम यहाँ से अंदर जाएंगे रिवर साइड। चलिए, तो ये नेचर ट्रेल का कुछ निर्देश हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, उसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी हम आपको बताएंगे आगे कि क्या है। बाकी यहाँ से नेचर ट्रेल स्टार्ट होता है, इसका भी चार्जेस है, ये है 25 रुपये। तो चलिए चलते हैं। नेचर ट्रेल 1600 मीटर का है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं, उसे भी पढ़ लीजिए पॉज करके। और ये हमारे साथ ही, हेलो डीके भैया, कैसा है, लग रहा है यार आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम नेचर के बीच में अपन आ गए। तो यहाँ पर एक चलो ना, चलो ऊपर ट्रेल है, इसमें चढ़ाना ही एक अलग एक्सपीरियंस होगा मेरे को लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई जैसे कोई अदर कंट्री में जाओ ना, तो एकदम खंडहर रहता है, और चढ़ाना मतलब वो वाला एक्सपीरियंस आ रहा है। पर करेंगे अपन, अभी हम रिवर साइड में आ चुके हैं, यहाँ पर हमारा हाई टी है। तो कितना अच्छा है, आप देखिए, है ना खूबसूरत। ये केवल 1.5 किलोमीटर का ही ट्रैक है, पर इतना खूबसूरत है आप सोच नहीं सकते। पानी की कलकल आवाज़, चिड़ियों की चहचहाहट और झिंगूर का आवाज़ आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। और यहाँ आप मतलब जब भी कोई डिप्रेशन में जाता है, जब साउंड ऑफ साइलेंस सुनता है, ये नदियों की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, तो एक अलग ही दुनिया में खो जाता है, एकदम रिलैक्स कर देता है। तो आप लोग को भी जब भी टाइम मिलता है, तो आप ऐसी जगह जाएं और उस जगह पर बैठें, उस चीज़ को महसूस करें, बात ना करें, बस फील करें उस जगह को, और मज़ा ले रहे हैं नदी का। दोस्तों, ये है यहाँ का डिलक्स रूम सोंढूर। ये कान्हा नेशनल पार्क के अंदर गांव था, जो अब बाहर है, तो उन्हीं गांव के नाम से ही यहाँ पे कॉटेजेस को बांटा गया है। तो यहाँ जैसे ही आप एंटर करेंगे, तो यहाँ एक सोफ़ा है, और इस साइड देखेंगे तो भी सोफ़ा लगा हुआ है। यहाँ पर बेड है, टीवी है, और टॉयलेट है, और बहुत बड़ा मिरर है, देख सकते हो। और ये है वेस्टर्न टॉयलेट, और यहाँ का बाहर का व्यू भी बहुत खूबसूरत है। बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत है ना भाई, दिखाओ तो यार। तो ये देखिए यहाँ का बाहर का व्यू, डायरेक्ट जंगल है, तो ये व्यू भी बहुत शांत है यार, देखिए एकदम पीसफुल। यहाँ पर झूलने का मज़ा ही अलग है। और ये पूरा कान्हा नेशनल पार्क का बफर एरिया है, तो आपको ट्री हाउस लेके चलते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल पेड़ के ऊपर है यार, तो ये साल पेड़ है, उसके ऊपर है। तो यहाँ पर है रूम, तो ये पूरा वुडन कॉटेज है, और साल पेड़ के ऊपर में बना हुआ है। तो यहाँ का व्यू तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे ही एंटर करेंगे, तो यहाँ पर है सोफ़ा, यहाँ से आपको बिल्कुल जंगल वाला व्यू मिलता है। ये देखिए, वो बिल्कुल आपको जंगल वाला व्यू के साथ यहाँ पे रूम्स मिल जाएंगे। और ये है यहाँ का डबल बेड, टीवी और एसी, और ये है बाथरूम। तो इस बार तो हम लोग स्वीट रूम में रुक गए थे, पर उससे ज़्यादा ट्री हाउस मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि पेड़ के ऊपर रहना मतलब उसका अलग ही मज़ा है।
ट्री हाउस जो है हम फिल्मों में देखते हैं, पर यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर रुकते हैं और बहुत हाइट में भी है, लगभग 20-30 फीट के हाइट में है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। और रात में खासकर पूरा जंगलों का सनसनाहट, जंगलों का पूरा साइलेंस, आवाज़, मतलब कितना अच्छा लगता होगा। और ये जंगल बिल्कुल लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है, बिल्कुल ये लगा हुआ है, ये बाउंड्री है, कान्हा नेशनल पार्क का बफर एरिया है। रात में इस साइड में हिरन, टाइगर, लेपर्ड, बहुत सारे जानवर आ जाते हैं, ऐसा बता रहे थे यहाँ के लोग। दोस्तों ये रिसॉर्ट पूरे जंगलों के बीच में है, तो देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर बैठने के लिए यहाँ पर खटिया लगाया गया है, और यहाँ पर रात में आप बॉनफायर भी कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये फैमिली कॉटेज है, अभी हम आपको फैमिली रूम दिखाने वाले हैं। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर सोफ़ा बना हुआ है, यहाँ पर बैठ सकते हैं, आराम से चिल कर सकते हैं। जैसे ही आप आगे जाएंगे हॉल में तो यहाँ पर है डबल बेड, यहाँ पर भी डबल बेड है, आराम से आप यहाँ पर 5 से 6 लोग आराम से आ सकते हैं अगर आप फैमिली के साथ आते हैं। यहाँ पर टॉयलेट है, वो आपको दिखाते हैं। और बहुत बड़ा मिरर है, देख सकते हो कितना बड़ा मिरर है। और यहाँ पर है टॉयलेट, तो हर जगह पर यहाँ पर वेस्टर्न टॉयलेट है और स्पेस भी बहुत है। हाय एवरीवन, माय सेल्फ शोएब, शोएब अहमद खान, मोस्ट वेलकम टू कान्हा मेडोज रिट्रीट। कान्हा नेशनल पार्क के बारे में बता रहे हैं कि कान्हा नेशनल पार्क का जो टोटल एरिया है वो 2040 स्क्वायर किलोमीटर है। इस 2040 स्क्वायर किलोमीटर को गवर्नमेंट ने टूरिज़म के लिए 940 स्क्वायर किलोमीटर को ओपन किया है। इस 940 स्क्वायर किलोमीटर के 4 जोन में डिवाइड किया है, मुक्की जोन, किसली जोन, कान्हा जोन और सरी जोन। इस कोर जोन की 3 एंट्री गेट है, मुक्की गेट, खटिया गेट और सरी गेट। बाकी एरिया जो आपका 2040 किलोमीटर से 940 स्क्वायर किलोमीटर निकला, बाकी बंद एरिया है। पहले खुला था, अभी बंद कर दिया, अभी 20% ओपन रखा है जंगल को। तो हमारे यहाँ का जो कान्हा में फेमस है वो टाइगर या कुछ फेमस नहीं है, हमारा कान्हा फेमस है बारहसिंगा के लिए। टाइगर नहीं है? टाइगर नहीं है, हमारा कान्हा बारहसिंगा के लिए फेमस है। और बारहसिंगा कान्हा के अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अभी कान्हा से ट्रांसफ़र किया गया बांधवगढ़, वो भी चेक करने के लिए कि वो वहाँ पे रह पाते, बेयर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। कान्हा का जो लैंड ग्रास है वो बारहसिंगा के हिसाब से पूरा, बाकी वैसा लैंड ग्रास आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो कान्हा बारहसिंगा के लिए फेमस है और लोग आते हैं बारहसिंगा देखने के लिए, वो टाइगर दिख गया प्लस पॉइंट है। यहाँ पर कितने ये डियर के प्रजाति हैं? यहाँ पे आपको देखिए डियर में 3 प्रजाति है यहाँ पे, बारहसिंगा, बार्किंग डियर और स्पॉटेड डियर। काला हिरन, बार्किंग डियर जो होता है वो डियर की सबसे छोटी प्रजाति होती है। और कभी भी आप देखिएगा यदि टाइगर साइटिंग के लिए जाते हैं तो कॉल जो चलती है उसमें सबसे शानदार और परफेक्ट कॉल बार्किंग डियर की होती है। यदि बार्किंग डियर की कॉल आई तो 110% श्योर रहता है कि टाइगर नहीं तो लेपर्ड है। बाकी मंकी कॉल करते रहता है, मंकी कॉल कई बार फेक होती है, बट बार्किंग डियर की कॉल जो होती है वो एकदम परफेक्ट होती है। उससे आप, जंगल बहुत बड़ा होता है, किसी को पता नहीं होता है कि वो कैसे कहाँ टाइगर देखेगा, यही एक साधन रहता है जिसके थ्रू अपन सर्च कर सकते हैं। कितने होंगे टाइगर? 130 है वो। 130 है वो? जी। क्या पूरे कान्हा नेशनल पार्क जी, जी। अच्छा, मुक्की गेट में सबसे ज्यादा टाइगर दिखते हैं ऐसा मैं सुना हूं। देखिए मुक्की एक्चुअल क्या है ना कि 940 स्क्वायर किलोमीटर को 4 जोन में डिवाइड किया है, तो अपना मेरे ख्याल से मुक्की जोन आता है 240-300 स्क्वायर किलोमीटर का। उसमें एक्चुअल क्या है ना कि हमारे यहाँ जो है वो टाइगर्स इसलिए ज़्यादा दिख जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ MB3 टाइग्रेस है जिसके 3 कप्स है, फिर आपका जो फैमिली के साथ ज़्यादा है। ओके। तो MB3 हमारे लास्ट ईयर जो था वो MB3 ने बहुत अच्छा साइटिंग दी है, पूरे होल सीज़न उनने किसी को निराश नहीं करी। सही बात है, सबको खुश करके गई। अच्छा, हमारे प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। हाँ। यहाँ के बारे में देखिए, कान्हा मेडोज रिट्रीट जो है वो बहुत पुरानी फर्म है। हाँ। और कान्हा मेडोज रिट्रीट 3-स्टार कैटेगरी की प्रॉपर्टी है। अच्छा। हाँ। सर्विस के मामले में तो हम यदि खुद से बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि खुद की तारीफ कर रहे हैं। हाँ। आप यहाँ पे विजिट करने आइए, यहाँ की सर्विस, यहाँ का फूड का टेस्ट, जो एक बार आते हैं वो परमानेंट कस्टमर हो जाते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि मुक्की गेट से बहुत ही क्लोज़ है। हाँ। और लोग यही पसंद करते हैं कि जो मुक्की गेट से करीब में हो। हाँ।
और हमारा लोकेशन वाइज देख लीजिए, प्रॉपर्टी देख लीजिए, रूम्स लग्जरी है, स्विमिंग पूल हमारा सबसे बड़ा है। ओवरऑल बाकी आप लोग खुद फील कीजिए। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अच्छा 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 एक बात बताना मैं आप लोग को भूल गया कि कान्हा नेशनल पार्क में एक कब्र है। अच्छा। लपसी के नाम से। क्या है लपसी? क्या है लपसी? एक पर्सन था जिसका नाम था लपसी, वो कान्हा नेशनल पार्क का बहुत बड़ा शिकारी था। वो शिकार ऐसा करता था कि वो उसका जो निशाना था इतना परफेक्ट था, कभी मिस नहीं हुआ। तो शिकार करने के लिए अपनी वाइफ को झाड़ से बांधता था और शिकार करता था। तो जब टाइगर उसको किल करने आता था तो वो इतना परफेक्ट शॉट था कि टाइगर किल हो जाता था। ओ भाई साहब, कितने टाइगर मारे उसने? उसने करीब करीब मारा होगा 25-50 टाइगर, क्योंकि उस टाइम तो कोई बॉन्डेड था नहीं ना, लोग शिकार करते थे, खाते थे, सब करते थे। इसको करीब करीब हो गया है आपका 60-70 साल हो गए, जब तो सारी चीज ओपन थी, यहीं से जाते थे, सब चीज करते थे। तो उसने अभी लास्ट टाइम जब उसका हुआ तो उसने अपनी वाइफ को झाड़ से बांधा और टाइगर किल कर रहे हैं, बट वही एक मोमेंट था जब उसका शॉट मिस हुआ तो टाइगर ने उसकी वाइफ को किल किया। ये देखने के बाद लपसी ने डायरेक्ट टाइगर पे किल किया, क्योंकि टाइगर वो लपसी के पास क्या होता था, तीर के अलावा बाकी भी औजार हुआ करते थे, तो उससे अटैक किया उसने। बट ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली वो टाइगर उस पर किल कर दिया। तो इस फाइट में लपसी की भी डेथ हुई, टाइगर की भी डेथ हुई और उसकी वाइफ की भी डेथ हुई। तो अभी यादगार बनाने के लिए मुक्की जोन में जैसे आप इंटर करेंगे तो वहाँ पे एक लपसी की कब्र बनाई गई है, जिसमें लपसी, टाइगर और उसकी वाइफ तीनों है। दोस्तों ये रिसॉर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, जो यहाँ की जो सर्विसेज है वो बहुत अच्छा है, फूड्स बहुत अच्छा है, ये पूरा जंगलों के बीच में है, यहाँ रहना ही एक अलग एक्सपीरियंस देता है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ यहाँ आते हैं तो यार बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हर टाइप का रूम है, जैसे फैमिली के लिए अलग रूम है, डिलक्स रूम है, स्वीट रूम है, और वुडन कॉटेज है, ट्री हाउस है, कैंपिंग ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, नेचर वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ का एडवेंचर पार्क, यहाँ पर मोगली एडवेंचर कैंप है जहाँ पे आप एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। ये केवल मेरे ख्याल से यहीं बस है, इसके अलावा शायद नहीं है कहीं, तो ये भी आप एडवांटेज आपको यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को भी कान्हा नेशनल पार्क आना है तो ट्रैवल मितान को फॉलो कर लें और दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में यहाँ पर हम ट्रिप कराने वाले हैं, तो अभी से बुकिंग स्टार्ट हो चुका है, तो बुक करिए, अपकमिंग ट्रिप्स बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यार आपको। तो ये कस्टमाइज ट्रिप भी रहेगा, बिलासपुर टू बिलासपुर, रायपुर टू रायपुर, और जितने भी जगह है वहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हैं, इस ट्रिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करिए, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कौन बाजी डर चना बाजी गठ कौन भी सरिया।
जिलो 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 लियो मटर चन भजी गुक नमी सरिया लियो मटर चन भजी गुक नमी सरिया निजर 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 अरे बजी डर अमन भीतर बजी छोटे बजी रण चन बजी कौन भी सरी मटर चन बजी कौन भी सरी लड़ी डोल प्रीति बजर जगन्नाथ रामे डर सगरे डोल फिरती बजर जगन्नाथ रामे डर सलोके लोड़ी डोल प्रीति बजर जगन्नाथ रामे डर सलोके लोड़ी डोल प्रीति बजर जगन्नाथ रामे डर सलोके पानी गिर तल काय पानी रे मेरा महिला रे पानी गिर तल काय पानी गिर महिला रे पानी गिर तल काय पानी गिर महिला रे पानी गो मेरा तलक पानी गो मेरा महिला रे पानी गो मेरा तलक है पानी गो मेरा महिला रे जाली 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 जाली
जय मारो गा पोते पारो नाला जय मारो रे Thank you.